वेलकम टू एक्टिव मोड, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम हरियाणा की उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट कर, सर्वप्रथम स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल रेवाड़ी के थे। पुराना नाम लाहौर उच्च न्यायालय था। आज़ादी के बाद पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को शिमला समझौते में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे। अब तक बने कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34वें नए बने मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी 3 जून 2018 से लगातार कार्यरत हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या जो स्वीकृत है 85 है। वर्तमान में संख्या 51 है। हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट की चंडीगढ़ में स्थापना 17 फरवरी 1955 को हुई थी। पंजाब व हरियाणा के एकमात्र न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने तीर्थ सिंह ठाकुर थे। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी चौथे, छोटा कार्यकाल देवी सिंह देवतिया 15वें। राज्य में जाट हिंसा की जांच जस्टिस एस एन झा आयोग ने की। राज्य में रॉबर्ट वाड्रा लैंड लिंक की जांच जस्टिस ढिंगरा आयोग ने की। राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, दूसरी निर्मल यादव। हरियाणा के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश पर रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 2, रणजीत सिंह नारूला, सुरजीत सिंह सधावालिया। राज्य की प्रथम कचहरी की स्थापना 1919 झज्जर में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो शाम की बारादरी। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकूला में। हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप, वर्तमान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। नोट, एडवोकेट जनरल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।